नशे के कारोबारियों के खिलाफ चांडिल अनुमंडल पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। सरायकला एसपी के निर्देश का दिखने लगा असर। 540 किलो डोडा और 53 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार। रंग ला रही एंटी क्राइम चेकिंग अभियान, अपराधियों में दहशत। सरायकला एसपी के निर्देश पर जिले में जारी एंटी क्राइम चेकिंग का व्यापक असर दिखने लगा है। खासकर अवैध नशे के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मंगलवार को चांडिल अनुमंडल के ईचागढ़ थाना और कपाली ओपी क्षेत्र से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल तीन तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने ईचागढ़ के चिपड़ी गाँव में छापेमारी करते हुए 540 किलो डोडा बरामद किया है। साथ ही मंगल चंद्र गुराई नामक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उधर कपाली ओपी पुलिस ने भी एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान कमारगोड़ा से दो युवकों को 53 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ के बाद बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्त में आए युवकों का नाम मोहम्मद रमजान और मोहम्मद इरफान बताया जा रहा है। दोनों कपाली के ताज नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसकी जानकारी देते हुए SDPO संजय कुमार सिंह ने बताया कि SP के निर्देश पर लगातार सभी थाना क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ईचागढ़ एवं कपाली पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी है। उन्होंने बताया कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए चांडिल से सुमंगल कुंडू की रिपोर्ट। अभी सरायकेला जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष नशा मुक्ति अभियान लगातार चलाया जा रहा है और उसी के कड़ी में नशा मुक्ति अभियान की कड़ी में ही कल हमने अपने अनुमंडल में अभियान चलवाया, जिसमें कपाली प्रभारी ने 53 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ दो लड़कों को गिरफ्तार किया है। इरफान अंसारी और रमजान अंसारी दोनों ताजनगर कपाली के रहने वाले हैं। इसके अलावा ईचागढ़ में भी चिपड़ी गांव में गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ईचागढ़ के माध्यम से उन लोगों ने छापामारी किया और वहां भारी मात्रा में डोडा, लगभग 540 केजी डोडा, इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसके कारोबारी मंगलचंद गुराई को गिरफ्तार किया गया है। तो ये कुल मिला के जो नशा मुक्ति का अभियान, नारकोटिक्स के विरुद्ध जो कार्रवाई करने का हम लोगों का सरायकेला पुलिस का जो SP साहब का ये है, उसी में हम लोग ये लगातार कर रहे हैं और आगे भी इसको हम लोग करेंगे। इसको रोकने का हर प्रयास किया जा रहा है और आगे भी किया। सर, डोडा कहाँ? बट मोटे तौर पर यही है कि डोडा हम लोग के यहाँ झारखंड में नहीं खटता है। ये जब भी जाता है ये कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, पंजाब हरियाणा तरफ में ही इनकी खपत है और इस संबंध में अनुसंधान से पता चलेगा कि कहाँ ये भेजते हैं। कितने दिनों से कारोबार कर रहा था सर मंगल चंद्र गुराई? ये परचुनिया दुकानदार है गांव का और ये जहाँ तहाँ अपना घूम घूम के धान वगैरह भी खरीद करते हैं और इसी क्रम में इन्होंने कहीं ग्रामीण इलाकों से इसकी कई लोगों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदा है, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगी कि इनके कहाँ से क्या। सभी आरोपियों का पूर्व में भी कोई आपराधिक गए हैं कि आदित्यपुर से ला रहे हैं और आदित्यपुर में जहाँ इन्होंने बताया वहाँ कुछ पता चल नहीं रहा है। बट इन लोगों का इसमें हम लोग गहराई से और करेंगे कि ये इनको देते कौन है, कहाँ से लाते हैं, कहाँ बिक्री का पता चल, कहाँ में टेम्पो स्टैंड में कोई टेम्पो वाले को, आने जाने वालों को ये उन्हें एक पुड़िया थमाते हैं और उसे बिक्री करते हैं। इसके पहले भी जा चुका है लेकिन ब्राउन शुगर के साथ नहीं पकड़ाया था वो थोड़ी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।